खाली, तो ये लिखा हुआ है आपका कितना, ये लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। तो बस बन गया, उठाओ देखो पाई ऐसे ही, ये 1/2 अपॉन, ये आपने पढ़ा है पीछे 1/2 ये कितना होता था, ये आपको ध्यान होगा, ये हमने बताया था, प्रूफ करके दिखाया था, 1/2 सफिक्सन अपॉन 3/2 सफिक्सन, ये वैल्यू आई थी आपकी 1/2n+1, यही कुछ आई थी ना वैल्यू, कहीं चेक करना पीछे किसी क्वेश्चन में कराया था हमने, एक बार चेक कर लेना अगर नहीं था तो, n बराबर 0 से इनफाइनाइट ऐसे ही ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2n+1, और ये कितना लिखा है 1/2 सफिक्स n ऐसे ही, ये फैक्टोरियल n का कोई काम नहीं है, फैक्टोरियल n को यहाँ लिख दो 1 सफिक्स n लिख दो, और ये क्या लिखा है देखो t/2 2n+1, और नीचे क्या लिखा है बोलो 2n+1, देखो बना लिया हमने 1/2 सफिक्स n, ये वाला फैक्टोरियल n को लिख दिया 1 सफिक्स n, ऐसे लिख दे रहे आपको याद रहे, फैक्टोरियल n को क्या लिख दिया हमने 1 सफिक्स n, और ये पूरी वैल्यू ये हम पीछे बनाई हमने चेक करना एक बार कहीं पर, ठीक है, ये वैल्यू हमने बनाई थी पीछे। अब इसको आपको ओपन करना है, इसको ओपन करना है आपको, 1/2 सफिक्स n को ओपन करेंगे ये मैच कर जाएगा आंसर, बस हो गया देखो पाई ऐसे ही, ये कितना लिखा आपका देखो 1/2 सफिक्स n कितना होता है 1/2, 1/2+1, 1/2+2, 1/2+n-1, और ये कितना होता है, ये होता है आपका 1 × 2 × 3 × 4, 1 सफिक्स n यही तो होता है फैक्टोरियल n, बाकी ये तो बना बनाए रखा है इसमें तो टच भी नहीं करना है इसको कुछ, ये तो पूरा सेट है, अरे इसको हटा दो मालूम ही है आपको तो, ये तो पूरा सेट है इसको टच भी नहीं करना है, ये अपॉन 2n+1, ये पहुंच गए थे हम लोग कुछ छूटा तो नहीं ना, ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी थी क्या, एक बार इसको चेक कर लेना जरा, मिस्टेक तो नहीं हो इसमें, 1/2 सफिक्स n अपॉन 3/2 सफिक्स n, एक मिनट रुकना कहीं लिखा होगा, यही होता है ना, हाँ ठीक है ठीक है, डायरेक्ट लिखा है ना हमने, तो थोड़ा के मिस्टेक तो नहीं हुई, देख ले मैं चेक कर ले, डायरेक्ट लिखा है ना हमने कहीं पर से, आपको याद ना रहे कोई बात नहीं, आप प्रूफ करके लाइएगा, हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है भाई, हमें ध्यान था तो लगभग हमने लिख दिया डायरेक्ट, आपको ना ध्यान हो तो आप प्रूफ करके लाना, चलिए कोई बात नहीं, हाँ और ये जो है इरेज कर रहे हैं इसको यहाँ पर ऊपर से, तो ये कितना बन गया देखो पाई एन बराबर 0 से इनफाइनाइट, और ये लिखा है 1 और इंटू 3 और इंटू 5, या तो हमको ये करना चाहिए था, मैं रुको जरा सा, हमें सीरीज डायरेक्ट ओपन कर देनी चाहिए थी शायद, इसकी जरूरत ही ना पड़ती, एक काम करना जरा सा सीरीज ओपन कर देना, ये लाइन मत लिखना, एक मिनट रुको भाई, खुद से बना रहे तो थोड़ा सा एक मिनट बना, रिसेट कर ले भाई, ये सीरीज ओपन कर दो ज्यादा बेहतर है, तो ये एनएचएस से चल रहे थे हम लोग, पाई से एन बराबर 0 रखो, तो 1/2 सफिक्स 0 1 सफिक्स 0 और ये हो जाएगा t/2 की पावर 1, t/2 की पावर कितनी लिखिए 2n+1 यानी 1, और यहाँ हो जाएगा 1 अब यहाँ पर इन बराबर 1 रखोगे तो 1/2 सफिक्स 1 फैक्टोरियल 1, ऐसे ज्यादा बेहतर है भाई, ये हो जाएगा इसकी पावर 3 नीचे 3, फिर 1/2 सफिक्स 2 फैक्टोरियल 2, t/2 की पावर 5 फैक्टोरियल 5, बस सॉरी नीचे 5, बस हो गया खत्म काम, इससे बहुत आसान है, सफिक्स 0 1 होता है सफिक्स 0 1, तो खाली क्या बचा, ये सिर्फ बचा आपका t/2 बचा, 1/2 सफिक्स 1 होता है 1/2 फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 1 कहां से आ गया, फैक्टोरियल 1 तो कहीं था भी नहीं, 1 सफिक्स 1 था ना, 1 सफिक्स 1, अरे बात वही है ये 1 सफिक्स 2, चलो हाँ, तो ये आपका 1 सफिक्स 1 तो 1 होता है, t/2 की पावर 3 और नीचे 3, ये लो बन गया, 1 सफिक्स 2 कितना होता है 1/2 1/2+1, और 1 सफिक्स 2 क्या होता है 1 1+1, ये लिखा है 2/t/2 की पावर 5 नीचे 5, और ये भाई देखो बन गया, ये लिखा है x, और ये लिखा है आगे कितना ही पढ़ो x, इसको पढ़िए x,
और ये क्या लिखा आपका, ये लिखा है आपका एक्स का क्यूब बाई थ्री, और ये लिखा वन बाई टू, और ये थ्री ये आ जाएगा वन थ्री, ठीक है ना। और नीचे लिखा टू, और ये टू टू जा फोर, ये आया वन थ्री टू फोर, और ये लिखा टी बाई टू की पावर फाइव अपॉन फाइव। देखो सब लोग यही तो लिखा है, एक्स वन बाई टू एक्स का क्यूब बाई थ्री, वन थ्री अपॉन टू फोर एक्स की पावर फाइव बाई फाइव, डैश 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 किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का। एक्स कौन है बोलो भाई, एक्स आपका टी बाई टू है, लो प्रूफ। प्रूफ हो गया भाई, और कोई दिक्कत बताइए कहीं पर। चलो नहीं है, कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिकल हाइपरजोमेट्रिक इक्वेशन देखो भाई, कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो भाई क्या लिखा था क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल एक बार पूरा। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 4.1 का, विनोद कुमार जी की बुक से, पहले बता दे भाई, पेज नंबर है 153। स्टेट द कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सॉल्यूशन, एंड एक्सप्लेन इट्स सॉल्यूशन। अब ये क्लास शाम को अगर 6 बजे तक लेके चले जाए तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। बताइए भाई, किसी को दिक्कत हो तो बताना, नहीं दिक्कत हो तो बता दो भाई, नहीं हाँ नहीं बोल दो भाई। हाँ बोलिए। कितने दिन अभी तो वैसे भी 4-5-6 दिन तो वैसे भी हम रुके हुए हैं, 4-5 दिन तो वैसे भी रुके हैं, 4-5 दिन तो अभी मेरी शाम को 6 से 7 वाली भी नहीं ऑफ हो रही है। अब ये सुबह वाली ना थोड़ा सा हमको हटाना है, तो शाम को 6 से 7 परमानेंट डेली 6 से 7 कर देंगे। वैसे भी आप लोग 1.5 घंटे क्लास झेल नहीं पाते, हमको मालूम है, सब परेशान हो जाते हैं, 1.5 घंटे क्लास झेल नहीं पाते, हमको मालूम है। शाम को 6 से 7 कर देंगे तो आप आराम से 1 घंटा चल जाएगा। हाँ भाई, कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल ये होती है। अच्छा भाई, कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इसको कहते हैं, जेड वन माइनस जेड बी माइनस वन प्लस ए प्लस सी जेड डी डब्ल्यू बाई डी जेड और माइनस ए सी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। ये तो कह रहा था स्टेट कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, z1 - z dw / dz2 b - 1 + a + c dw / dz - ac w = 0। पीछे थी वो थी हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल डिफरेंशियल का, वो थोड़ी अलग थी, ये है कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये थोड़ी अलग है भाई, ठीक है ना। तो कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये आपके पास दी हुई है, आपको क्या निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं सॉल्यूशन, इसको 1 मान लो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन का मतलब है w की वैल्यू निकालना है, सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, w निकालना है, w पता ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है उसमें से डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसमें, w, यानी आपको w निकालना है, ठीक है, यानी आपको क्या निकालना है भाई, w निकालना है, w। तो इसके लिए हम क्या कर दे रहे हैं, सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं हम लोग सबसे पहला काम कर रहे हैं एक मिनट रुकना जरा सा, एक सेकंड रुक जाना जरा सा, आपने पीछे जो इंप्रूवमेंट की थी वो क्या थी,
नहीं ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही भाई, एक सेकंड रुकना जरा। आपने पीछे जो डिफरेंशियल इक्वेशन लाए थे वो क्या थी? ये कॉन्फ्लुएंट नहीं है, रुक जाओ, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी हमने यहाँ पर। हाँ नहीं, भाई थोड़ी सी गलती कर दी हमने, ये वो नहीं है, रुक जाओ जरा, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने, एक मिनट रुकना जरा। एक मिनट रुक जाओ जरा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, रुक जाओ जरा भाई, सॉरी। ऐसे लिखो, वी नो दैट द हाइपर जोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ऐसे लिखो भाई, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, इज गिवन बाय, ये तो आपको पता ही है हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, ये हम लोग पीछे से पूरी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या थी बोलो, z1 minus z, ये पीछे से है चैप्टर 3 से, प्लस का c minus 1 plus y, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, 1 plus a plus b z dw by dz और minus a dw equal to 0, ठीक है, ये सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंड इट्स सॉल्यूशन क्या होता था, एंड इट्स सॉल्यूशन, ये तो बताया था हमने, w बराबर कौन था याद है, इट्स वो w जो आया था उसका सॉल्यूशन कहलाता था, कौन था, f a b c z, ये कहलाता था, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये होता था। अब क्या करो जरा से इसमें, अब करेंगे क्या हम लोग, थोड़ा सा इसमें करने जा रहे हैं कि पूरे में इसमें इक्वेशन वन मान लो, ठीक है, इसको मान लिया टू, रिप्लेसिंग आपको c जो है उसको जब इसको इंटरचेंज कर दो b के साथ, ठीक है, कर रहे हैं इंटरचेंजिंग b एंड c, b की जगह c की जगह b कर दो, तो बताओ जरा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका b माइनस वन प्लस a प्लस c z dw by dz और माइनस का a c w इक्वल टू जीरो, एंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एंड इट्स सॉल्यूशन इज, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देखो यहां पर भी कर दो एक काम, w बराबर f a c d z, ठीक है, अब जो जो इसमें चेंज करेंगे वही वही वहां वहां इसमें चेंज करते जाएंगे, चलो करते रहो, जल्दी उठा जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ले लो भाई, फिर नया चैप्टर शुरू करना है, छोटा चैप्टर पढ़ाना है, खत्म भी हो जाएगा जी। पहले छोटे चैप्टर है दो, एक दो पढ़ा दे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे मेन। लीजेंडर बेसल पढ़ाने से पहले, लीजेंडर बेसल थोड़ा सा बेसिक है, उसका वीडियो है, हम उसको भेज देंगे आपको, तो फिर जब अभी लीजेंडर बेसल अभी नहीं पढ़ा रहे भाई, बड़ा चैप्टर है, बाद में पढ़ाएंगे, लास्ट में पढ़ाएंगे लीजेंडर बेसल और एलिप्टिक फंक्शन, ये दो तीन चैप्टर लास्ट में पढ़ाएंगे, पहले छोटे छोटे चैप्टर पढ़ा दे। अच्छा अब यहाँ से चेंजिंग इतना आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ये पीछे से लिखा है आपने, अब सुनना जरा साहब, इसमें क्या करो, रिप्लेसिंग जो इसमें करते जाना वो चेंजिंग इसमें भी करते जाना, रिप्लेसिंग, ठीक है, जेड बाय जेड बाय सी, जहां पर जेड है तो वहां पर क्या कर दो, जेड बाय सी कर दो, ठीक है, जहां पर जेड है वहां पर क्या कर दो भाई, जेड बाय सी कर दो। अच्छा तो ये भी बदल जाएगा भाई, ये भी बदल जाएगा, वेरिएबल चेंज कर दो यार नीचे, एक मिनट रुकना जरा सा भाई, ऐसे रुक जाओ जरा सा, ऐसे गलत बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो जरा सा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, एक काम करो जरा सा, z बराबर मान लो x by c, ऐसे करो भाई, ठीक है, z बराबर मान लो x by c, वेरिएबल चेंज कर दो तो dw by dz कितना हो जाएगा जरा देखना, तो यहां से dz by dx कितना आएगा, 1 upon c, ठीक है, रखे लेना, तो dw by dz को ऐसे नहीं सकते, dw by dx, अब z की जगह नीचे x करना है आपको, चेंज करना है, तो z को x के टर्म में मान लिया है, और ये हो जाएगा dx by dz, तो dw by dx ऐसे ही रखना, और x dx by dz कितना आएगा, c, अब सही है भाई, ऐसे ये भी निकाल लो इसको लिख देना भाई, d by dz dw by dz dw by dz, इसको ऐसे लिख सकते हो, d by dx
और ये ऐसे ही, और dx बाई डी जेड बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, आपने फॉर्मूला लगा दिया ये d बाई डी जेड, ये मान लो f, सबने फॉर्मूला पढ़ा है ना भाई, df बाई डी जेड लिखा हो तो उसको लिख दोगे, क्या लिख सकते हो उसको, इसको लिख सकते हो df बाई dx और dx बाई डी जेड, ठीक है। इसमें f बराबर क्या पुट कर दिया गया है, f की जगह हो गया है dw बाई डी जेड, तो बताओ जरा क्या बन जाएगा, d बाई डी जेड, f की जगह क्या हो गया है dw बाई डी जेड, f की जगह dw बाई डी जेड, देखो यही तो आ गया। चलो डी बाई डी एक्स ऐसे ही, डी डब्ल्यू बाई डी जेड की वैल्यू है सी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, और डी एक्स बाई डी जेड कौन हो जाएगा सी, उल्टा ऊपर का उल्टा, तो ये सी कॉन्स्टेंट आ गया सी स्क्वायर, और डी डब्ल्यू बाई डी जेड डी एक्स का दोबारा हो रहा है, तो बन जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स टू। हमने जेड को एक्स मान ली, जेड को एक्स के टर्म में लेट कर लिया भाई, उन्होंने गड़बड़ कर दिया है, ऐसे वाला कंफ्यूजन क्रिएट होगा जो उन्होंने किया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए सब लोग, इसमें नंबर मान लेना 3 और इसको मान लेना 4, कोटेन 3, ये तो स्क्रीनशॉट ले चुके हो भाई, नहीं लिया तो ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो ले लो भाई, नीचे ले इरेज कर रहे हैं, सिर्फ ये छोड़ देंगे बस, चलिए इरेज कर दिया हमने, कोटेन 3, तो बताइए क्या बन गया, z की जगह x by c, 1 minus x by c, और dw by dz इसकी वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है भाई, ऐसे यहाँ पर आ जाओ, ये b ऐसे ही, ठीक है, माइनस ये सब ऐसे ही, 1 plus a plus c ऐसे ही, z क्या माना है अपने x by c, और dw by dz कितना है आपका c dw by dx, और माइनस a c w, वो कुछ नहीं करना है आपको, इक्वल टू 0, ठीक है। ये c से c स्क्वायर, ये c स्क्वायर से ले सकते हो, पूरे में c स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक पर c काट दो, एक c काट दिया, अब डिवाइडिंग बाय c, पूरे में c से डिवाइड कर दो, बताओ जरा क्या बचेगा, x 1 minus x by c, यहां बचेगा c d2w by dx2 ये c नहीं बचेगा भाई, c से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, c से डिवाइड किया, x c किससे कटा, x से डिवाइड कर रहे, ये ऐसे ही रहेगा भाई, और यहां पर c से डिवाइड करोगे तो ये c कट जाएगा, ये b माइनस, यहां x by c अंदर गया, 1 by c अंदर ले लो बस बहुत है, यहां जाएगा 1 by c, यहां भी जाएगा आपका 1 by c यानी a by c, यहां जाएगा c तो हो जाएगा बचेगा 1, और ये x ऐसे ही, ये c कॉमन होके कट गया, ये c इससे डिवाइड किया तो कट गया, यहाँ सी से डिवाइड किया तो माइनस ए डब्ल्यू इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत बता देना भाई, इरेज कर रहे हैं अभी, देखना है सोल्यूशन में भी करेंगे, हमने बार बार करेंगे दिक्कत होती, अभी सोल्यूशन में भी चेंजिंग करेंगे जो जो किया है। टेकिंग लिमिट, पूरे में लिमिट ले लो, सी टेंड्स टू इन्फिनिटी तो जाएगा एक्स, खाली एक्स बचेगा, डी टू डब्ल्यू बाई डी एक्स टू, और ये हो जाएगा b माइनस, यहाँ खत्म, ये खत्म, सिर्फ बचेगा b माइनस x dw by dx और माइनस का a w इक्वल टू 0, ठीक है, यही डिफरेंशियल कहलाती है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंट, इसका सॉल्यूशन अभी उसमें भी चेंजिंग करनी बाकी है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन, अंकिता शाम वाला फ्री हो जाइए भाई, तो 4-5 दिन हम कर देंगे, क्योंकि इतने टाइम बहुत दिक्कत होती है, और अल्टरनेट वाले में टाइम भी नहीं मिल पाता, 2-4-6 में, 1-3-5 वाले में बहुत ज्यादा हो जाता है, झेल भी नहीं पाते हो सब, परेशान हो जाते हो, इस वजह से चेंजिंग करनी पड़ेगी थोड़ी, इरेज कर रहे भाई हम, इफ यू वांट टू हैव एन स्क्रीनशॉट, अभी चेंजिंग उसमें नहीं करी हमने, कहा था ना डब्ल्यू वाले में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, आगे लिख रहे हैं इट्स सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन में चेंजिंग नहीं करी ना, तो दोनों दोनों में करनी पड़ती है,
हाँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा देखना, ये आ गया। इट्स सॉल्यूशन इज मैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डब्ल्यू बराबर क्या था जरा बोलो, क्या क्या चेंजिंग करी मैंने जो नहीं करी उसमें, क्या क्या चेंजिंग करी, एफ कितना ए सी, यहाँ क्या था बी और जेड की जगह एक्स बाई सी करा है और लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी ये चीज नहीं करी हमने, समझ आ गया ना भाई। देखो अभी उसमें z बराबर 1 अपॉन x बराबर z बराबर x अपॉन c रखा था, इसमें नहीं रखा था ना, तो इसमें z बराबर इसमें भी रखोगे और लिमिट क्या लिया आपने, सॉरी c c c लिमिट क्या लिया, c टेंड्स टू इनफिनिटी इसमें लिया था, तो इसमें भी लोग हमने कहा था जो जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे वही सेम काम आपको उसके सॉल्यूशन में भी करना है, जो जो काम आप डिफरेंशियल इक्वेशन में करोगे वही सेम काम आपको सॉल्यूशन में भी करना है उसके, ठीक है याद रखना भाई। चलो इसको सिंपलीफाई कर लो बस, खत्म, सॉल्यूशन आ जाएगा, बस हो गया। ये लिमिट c टेंड्स टू इनफिनिटी ऐसे ही इसका फार्मूला खोल दो भाई सब लोग, n बराबर 0 से इनफाइनाइट a सफिक्स n c सफिक्स n b s की b सफिक्स n और ये कितना लिखा है x by c की पावर n फैक्टोरियल n, ये ऐसे रखना भाई, लिमिट c टेंड्स टू इनफिनिटी ऐसे ही, ठीक है। इसको लिख दोगे n बराबर 0 से इनफाइनाइट, इसको a सफिक्स n ऐसे ही b सफिक्स n ऐसे ही फैक्टोरियल n ऐसे x की पावर n ऐसे c सफिक्स n को ओपन कर दो, c c प्लस 1 c प्लस 2 कहां तक, c प्लस n माइनस 1 तक, और नीचे कितना लिखा है c की पावर n, c की पावर n को तोड़ दो कितनी बार, ऊपर भी n टर्म्स है नीचे भी n टर्म्स है, c c c कितनी बार n टाइम्स, c की पावर n को तोड़ दिया हमने, बस हो गया, बस खत्म। हो गया ए सफिक्स एन अपॉन बी सफिक्स एन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, यहां से एक्स ही कट गया, यहां ये सी से कट गया, इसमें से ये सी का अलग अलग दोनों डिवाइड किया, अरे ये इससे कटा और ये इससे कटेगा, अलग अलग डिवाइड कर लो जरा सा, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन सी, इसका यहां डिवाइड किया, इस वाले सी का इसमें डिवाइड किया, ऐसे चलते रहे, इस वाले सी का डिवाइड किया तो 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन सी, लिमिट क्या ले लो c टेंड्स टू इनफिनिटी, c टेंड्स टू इनफिनिटी यहां से है नहीं, यहां से कोई मतलब नहीं, यहां से भी कोई मतलब नहीं, यहां से भी कोई मतलब नहीं, यहां से कोई मतलब नहीं, किसी से c कट गया, लिमिट लोगे c टेंड्स टू इनफिनिटी खत्म हो जाएगा सब, 1 1 1 1 1 बचेगा, तो कितना आगे देखो, ये किसका फार्मूला लिखा है, ये लिखा है f a b x, देखो बस दो ही तो है खाली, a सफिक्स n अपॉन b सफिक्स n, ये तो कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये लो खत्म, तो ये होती है कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक डिफरेंशियल इक्वेशन और ये वाला होता है इसका सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए भाई कहीं पर, तो ये चीज थी आखिरी चीज, ये बची हुई थी, बाकी एक दो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर बताना, लगभग मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में अवेलेबल करा दिए हैं, एक दो तीन छोड़े होंगे मुश्किल से, लगभग सभी करा दिए हमने। अब आना थोड़े पहले छोटे छोटे चैप्टर एक दो पढ़ा दे, उसके बाद बाद में हम आएंगे बड़े चैप्टर्स में, हालांकि बड़ा चैप्टर लेजेंडर वेसल के अलावा कोई बड़ा चैप्टर है नहीं ज्यादा, चैप्टर क्या है सुन लो जरा, इसमें आना भाई जरा सब लोग, चिपशिप पॉलिनोमियल चैप्टर 9, बहुत छोटा है भाई, अभी शुरू होगा अभी खत्म हो जाएगा, चैप्टर 9 है चिपशिप पॉलिनोमियल, अब थोड़े दो तीन छोटे चैप्टर पढ़ाएंगे उसके बाद वापस आएंगे इसमें आगे, क्योंकि मेन तो हमने पढ़ा दिया यहां तक, चार चैप्टर तक तो मान के चलो कम से कम दो लॉन्ग तो हो जाएंगे आराम से, और कम से कम दो तीन शॉर्ट। अब छोटे छोटे चैप्टर पढ़ाएंगे, चिपशिप पॉलिनोमियल है और ये आपका एक चैप्टर लगा हुआ है, सबसे पहला है विनोद कुमार जी की बुक में पहला है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ फंक्शन है, हर्माइट पॉलिनोमियल है, तो ये पहले दो तीन छोटे छोटे चैप्टर पढ़ा देंगे फिर हम लोग आएंगे उसमें आगे। चल चिपशिप पॉलिनोमियल बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको,
एक टफ चैप्टर के बाद छोटा चैप्टर। चैप्टर 9 है चेबिशेव पॉलिनोमियल। ये दो तरह के होते हैं भाई, एक होता है फर्स्ट काइंड, एक होता है सेकेंड काइंड। फर्स्ट काइंड और दूसरा होता है आपका सेकेंड काइंड। ठीक है, दो होते हैं ये, फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड। तो चिपचिप पॉलीनोमियल जो फर्स्ट काइंड होता है उसे कहते हैं हम लोग टीएनएक्स। इसका फार्मूला होता है कॉस एन कॉस इनवर्स एक्स, बहुत छोटा सा एकदम सिंपल है, देखो भाई। और इसको कहते हैं यूएनएक्स। सेकेंड काइंड को बोलते हैं यूएनएक्स। ये होता है साइन एन कॉस इनवर्स एक्स। अगर हम लोग ये लेट कर ले, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान ले, मतलब एक्स क्या हो गया आपका कॉस थीटा, तो आप बोलो टी एन एक्स क्या बन जाएगा। अब tnx हो जाएगा cos n theta और unx क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा sin n theta। ये तो हो जाएगा, मैं बताओ जरा सा, जहां पर n जो होता है वो होता है आपका 1 0 1 2 3